शेट्टी टावर आप यहां पर देख सकते हो, जो कि यहां पर रहते हैं रोहित शेट्टी सर। ये पूरा का पूरा बिल्डिंग उनका ही है। ये वाले बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर अक्षय कुमार सर रहते हैं, यहां पर रहते हैं अनिल कपूर सर, श्रद्धा कपूर मैम और शक्ति कपूर सर का वो यही वाले बिल्डिंग में रहते हैं। ये पूरा का पूरा बंगलो देख सकते हो ऊपर से, यहाँ पर रहते हैं शिल्पा शेट्टी मैम। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज जनरल एंड यू आर वॉचिंग जनरल यूनिक ब्लॉग। ओके सो गाइस, आज मैं आपको बहुत सारे सेलिब्रिटी के हाउसेज दिखाने वाला हूँ जो कि जुहू साइड में रहते हैं। उनमें से श्रद्धा कपूर, शक्ति कपूर, अक्षय कुमार सर, आलिया भट्ट और फिर ऋतिक रोशन, सोनू सूद का और बहुत सारे लोगों के घर दिखाने वाला हूँ और बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। वो लोग कहाँ पर रहते हैं, उनके घर के बारे में बहुत सारी चीजें। गाइस कीप वाचिंग द फुल वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन टू द व्लॉग। अक्षय कुमार सर का घर तो ये वाले बिल्डिंग के है ना गाइस, ग्राउंड फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं अक्षय कुमार सर उनकी फैमिली के साथ। घर की उनकी स्टोरी बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर अक्षय कुमार उनके स्टार्टिंग के डेज में है ना, ये बिल्डिंग के वॉल के पास आकर है ना फोटोशूट कर रहे थे उनके फ्रेंड्स के साथ में। तो उन ये बिल्डिंग के गार्ड्स ने ना उन्हें फोटोशूट करने नहीं दिया था, और फिर बाद में जाकर उन्होंने यही वाले बिल्डिंग में घर भी ले लिया। और फिर ये बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आप देख सकते हो जो कि सेंटा क्लॉस वहाँ पर लगा हुआ है, तो डुप्लेक्स फ्लैट है वो है ऋतिक रोशन सर का। तो ऋतिक रोशन सर और अक्षय कुमार सर एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, और ये ऋतिक रोशन सर का घर है ना अराउंड 97 करोड़ का है गाइज। और ये साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर ये है जुहू बीच, और जुहू बीच के सामने यहाँ पर है अक्षय कुमार सर और ऋतिक रोशन सर का, और ये बिल्डिंग का नाम है प्राइम बीच। भी नेक्स्ट घर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है श्रद्धा कपूर मैम और शक्ति कपूर सर का, वो यही वाले बिल्डिंग में रहते हैं। और यहाँ पर आप बोर्ड देख सकते हो, ये पाम बीच लिखा हुआ है, तो ये वाली बिल्डिंग में रहते हैं गाइज। और ये वाली बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर रहते हैं, और ये भी जुहू बीच पे ही है, और इसके पीछे से पूरा जुहू बीच का एरिया और सी फेसिंग घर है उनका भी। ये आप बंगलो देख सकते हो, ये इसका नाम किनारा है, और ये पूरा का पूरा बंगलो देख सकते हो ऊपर से। यहाँ पर रहता है शिल्पा शेट्टी मैम, और ये एक्चुअली में इनकी शादी होने के बाद यहाँ पर रहने आए जो उनके हस्बैंड है राज कुंद्रा। तो ये पूरा बंगलो राज कुंद्रा सर का है, उनकी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर रहते गाइज। और इसके ये देख सकते हो बहुत ज़्यादा बड़ा बंगलो है और बहुत ही लग्जरियस है। ये भी जुहू में ही है, और क्योंकि वो साइड में जुहू बीच है, और ये बंगलो पूरा सी फेसिंग है। आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक साइट के बारे में बताना चाहता हूँ। तो आपको मालूम है अभी आईपीएल स्टार्ट हो चुका है, और ये साइट पर रजिस्टर करने पर आपको मिल जाएगा 51 रुपीस का रियल कैश अपने अकाउंट में। आप मैचेस देख भी सकते हो और प्रेडिक्शन करके जीत भी सकते हो, और आपके चांसेस है आईफोन, लैपटॉप, वन प्लस स्मार्ट वॉचेस जीतने का। ब्रांड एम्बेसडर है ब्रैंडन मैककेलम, और आप प्रोमो कोड यूज कर लेना ब्रेस क्रिक, जिसके आपको 150% का बोनस मिल जाएगा फर्स्ट डिपॉजिट पर। इसमें आप अपनी खुद की टीम ड्रीम 11 को मोस्ट बेट फैंटेसी की तरह भी बना सकते हो, और आपको मिल जाएगा 60 रुपीस का कैशबैक अपने फेवरेट डिपॉजिट मेथड पर। तो जाइए डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। तो ये आप देख सकते हो ये बंगलो का नाम है जलसा, और ये अमिताभ बच्चन सर का बंगलो है। आप देख सकते हो पूरा ये बंगलो उनका ही है गाइस। अगर लॉकडाउन के पहले तो कैसा होता था कि हर संडे को है ना अमिताभ बच्चन सर अपने बालकनी में आते थे, और यहाँ पर तो फैंस की भीड़ जमा हो जाती थी, लेकिन अभी तो वो बाहर नहीं आते। अभी नेक्स्ट वाला हाउस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो ये अपार्टमेंट्स का नाम है गिगी अपार्टमेंट्स। तो यही वाले बिल्डिंग में आलिया भट्ट रहती है, तो यहाँ पर ये सेकंड फ्लोर पर रहते हैं आलिया भट्ट। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग उनकी नहीं है, यहाँ पर ये सेकंड फ्लोर पे उनका घर है। ये बंगलो देख सकते हो आप, ये यहाँ पर रहते हैं अनिल कपूर सर, उनके बेटे हर्षवर्धन, और अभी मेन बात तो यहाँ पर अभी हर्षवर्धन सर जॉगिंग कर रहे थे तो वो हम लोग को मिल गई। आप फोटो देख सकते हो साइड में, और ये बंगलो का स्ट्रक्चर देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रहा है। तो यहीं पर रहते हैं अनिल कपूर सर अपनी फैमिली के साथ में। नेक्स्ट घर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है प्रियंका चोपड़ा का, तो ये वाला, और ये वाले बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहते हैं प्रियंका चोपड़ा मैम गाइस। तो देख सकते हो कैसी इनकी स्ट्रक्चरल बिल्डिंग है, बहुत अमेजिंग लग रही है। सो गाइस अभी जो नेक्स्ट वाला घर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है माधुरी मैम का, तो ये आप बिल्डिंग देख सकते हो एरिस पार्क, वो यहीं पर रहती है उनके फैमिली के साथ गाइस। ये वाली बिल्डिंग आप देख सकते हो, ये बिल्डिंग का नाम रामायण है, और यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा सर रहते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, सोनाक्षी सिन्हा भी यहीं पर रहते हैं, और यहाँ ये पूरी की पूरी बिल्डिंग उनकी ही है गाइस। ये वाला बिल्डिंग है वरुण धवन का, तो इसका नाम ओबेरॉय एनक्लेव है। एक्चुअली इसके अंदर जाना अलाउड नहीं, इसलिए मैं बाहर से दिखा रहा हूँ। और ये एक वीडियो बीच में वायरल हुआ था जहाँ पर वरुण धवन अपने घर का टूर दे रहे थे, तो ये देख सकते हो ये उनके लिविंग रूम का एरिया है, और फिर यहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा जिम भी बनाया हुआ है, और फिर यहाँ पर आगे की तरफ ये उनका बेडरूम है गाइस। ये देख ही सकते हो आप, ये कितना ज़्यादा दिखने में लग्जरियस लग रहा है। ऐसे कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का घर मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसे वीडियोज़ में। और फिर यहाँ पर उनका वार्डरोब है, चेंजिंग रूम ऐसा बोल सकते हैं, और ये साइड में वॉशरूम था,
और फिर यहाँ पर ये दूसरे बेडरूम का लुक देख सकते हो, ये भी कितना ज्यादा लग्जरियस बनाया गया है और पूरी वुडन क्लिप फ्लोरिंग्स लगाई गई है नीचे। अभी नेक्स्ट वाला घर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है कार्तिक आर्यन सर का। ये वाला बिल्डिंग देख सकते हो, ये वाले बिल्डिंग के कोई तो फ्लोर पर रहते हैं कार्तिक आर्यन सर। ये वीडियो आप देख सकते हो, ये वीडियो है ना 13 सितंबर का है, जब कार्तिक आर्यन का बर्थडे था। तो ये वही बिल्डिंग के गेट के अंदर का ये एरिया है जहाँ पर कार्तिक आर्यन नीचे आए थे सबसे मिलने के लिए, बहुत सारे मीडिया वाले भी आ गए थे। सो गाइस अभी नेक्स्ट वाला घर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आप ये बिल्डिंग देख सकते हो, ये बिल्डिंग का नाम जल दर्शन है और यहाँ पर रहते हैं गोविंदा सर। तो देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग बिल्डिंग है, ये भी जूम ही है गाइस। और जो नेक्स्ट वाला घर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है सारा अली खान। तो ये वाला बिल्डिंग देख सकते हो, ये वाले बिल्डिंग में रहते हैं सारा अली खान मैम। नेक्स्ट घर में मैं आपको लेकर आया वो है शेट्टी टावर, आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि यहाँ पर रहते हैं रोहित शेट्टी सर। ये पूरा का पूरा बिल्डिंग उनका ही है गाइस, जो कि आपने उनकी बहुत सारी मूवीज देखी रहेगी, वो एक बहुत ही कमाल के डायरेक्टर है। सभी सेलिब्रिटीज के घर तो दिखा दिए जो कि पर्टिकुलरली जुहू अंधेरी के एरिया में रहते थे, और सोनू सूद सर का भी घर दिखाया जो कि उनसे मैं रिसेंटली मिला भी था और उनके साथ व्लॉग भी बनाया था, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी गाइस। तो मैंने आपको जुहू एरिया दिखाया ना, तो वो एक्चुअली में मुंबई का बहुत ही पॉश एरिया था, और ऐसे ही बहुत सारे पॉश एरियाज में बहुत सारे सेलिब्रिटीज रहते हैं, जैसे अल्ट माउंट रोड हो गया, बैंड स्टैंड, बैंड्रा, और फिर हिल रोड, काली हिल, जुहू, वर्सोवा, अंधेरी, ऐसे सब एरियाज में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बहुत रहते हैं, सीरियल के एक्टर्स। और मुझे मालूम है गाइज आप बहुत सारे सीरियल्स के एक्टर्स के घर के ब्लॉग भी बनाने बोलते हो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो आज तक उनके घर किसी ने भी रिवील नहीं किया और इसके लिए मैं भी रिवील नहीं कर सकता, तो ऐसी प्रॉब्लम है गाइज। बस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और सपोर्ट करते रहना, मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट्स बना ही रहा हूँ।